हेलो फ्रेंड्स, क्या आप लोगों को सुपर मून के बारे में पता है? अगर नहीं जानते तो आइए देखते हैं। सुपर मून चंद्रमा की एक विलक्षण घटना है। सुपर मून वास्तव में पूरे चांद को कहा जाता है, जिसमें वह अपनी परिधि में पृथ्वी के सबसे पास पहुंच जाता है, क्योंकि उस समय चंद्रमा अन्य दिनों की तुलना में पृथ्वी से ज़्यादा निकट रहता है। इसलिए यह न केवल अधिक बड़ा दिखता है बल्कि अधिक चमकता भी है। इस स्थिति में अपनी सामान्य अवस्था से चंद्रमा 14% बड़ा और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई पड़ता है। वर्ष 2018 का प्रथम पूर्ण चंद्र ग्रहण 31 जनवरी 2018 को दिखा। एशिया में 35 वर्ष बाद एक साथ ब्लू मून, ब्लड मून व सुपर मून दिखाई दिया। वर्ष 1979 से पहले सुपर मून जैसा कोई शब्द अस्तित्व में नहीं था। उससे पहले चांद की यह अवस्था पेरिगी फुल मून कही जाती थी। पेरिगी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी के नज़दीक होता है। तारों पर ध्यान रखने वाले खगोलविद 23 जून 2013 को विशेष सुपर मून चंद्रमा का सबसे विशाल रूप देखा। प्रत्येक वर्ष आकार से सबसे बड़े दिखने वाले चांद को ही सुपर मून कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है। उल्लेखनीय है कि सुपर मून शब्द को 30 वर्ष पहले रिचर्ड नोले ने 1979 में खोज लिया था, लेकिन इस शब्द का प्रचलन वर्ष 2011 से अधिक बड़ा है। सुपर मून की विपरीत अवस्था माइक्रोमून है। हालांकि इस शब्द का व्यापक तौर पर प्रयोग नहीं होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आज आप लोग सुपर मून के बारे में कुछ नई जानकारियां प्राप्त किए हों तो वीडियो को लाइक एंड दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।